कॉलेज का पहला साल, नए किस्से, नए कहानियां। यार मैं आ गया हूँ अपने पहले साल, पहले सेमेस्टर में। जो मैंने क्लासरूम्स एक्सपीरियंस करे कि कॉलेज लाइफ कैसी होती है, जहाँ पे पढ़ाई के अलावा सब कुछ हो रहा होता है, वो सब ये पीछे आप क्लासरूम देख सकते हो। ये हमारे SPS इनको बोला जाता है। AC वाले क्लासरूम में मजा आ गया। स्कूल में तो गर्मियों की आदत थी, यहाँ पे ठंडा ठंडा AC हवा लगता है। 2 लाख रुपए साल की फीस थी तो लगा वो वसूल हो गई। पहली फ्रेशर पार्टी आपको आपकी पहले सेमेस्टर ऑफ कॉलेज में देखने को मिलेगी। बहुत ज्यादा मजा आता है। यहाँ पे 3 दिन की हमारी फ्रेशर पार्टी चलती थी। तो पहले दिन हम लोग एकदम प्यार व्यार होके राजा बाबू बनके चले गए, ठीक है, कि बैंड वैंड नाइट एंजॉय करेंगे। सेकंड डे हमारे यार एथनिक नाइट थी, उसके अंदर पूरा रेड कलर का कुर्ता उर्ता पहन के गए, उसकी आगे स्टोरी बताऊंगा। और थर्ड डे बेस्ट होता है, सूट बूट पहन के आपका भाई बन गया जेंटलमैन। और उसके बाद हम गए थर्ड डे, जो हमारी फाइनल नाइट होती है, और खूब नाचे। आपको फोटोज और वीडियोस दिखा दूंगा। ये सेमेस्टर 1 की मार्कशीट है, बहुत ज्यादा फटी भाई एग्जाम से पहले, क्योंकि पूरे सेमेस्टर मस्तीखोरी में निकल गया। सब्जेक्ट्स थे मेरे पास मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वर्कशॉप प्रैक्टिस और बिजनेस कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन स्किल्स। पहला सेमेस्टर 9.5 CGPA, बहुत ज्यादा हाई, 9+ सबको एक्सपेक्टेड होती है फर्स्ट सेमेस्टर में, आपके भाई ने कर दी। बट इस 9.5 CGPA के साथ बनी बहुत सारी यादें, बहुत सारे किस्से, बहुत सारी दोस्तियां। मेरे को अपने दोस्त याद आते हैं जिनको मैं काउंसलिंग में मिला, आद्या, वर्तिका, मेघ, पल्लव, प्राची, अपूर्वा, आदित्य, ये सारे वो लोग थे यार जिनसे एक बहुत स्ट्रांग बॉन्ड मेरे को लगता है बन गया। तुम जो भी रैंडम चीज़ें तुम्हें करनी होती है पहले साल कॉलेज के अंदर, वो सब तुम इन सब के साथ एंजॉय कर रहे होते हो, खुल के अपने किस्से शेयर कर रहे होते हो, अपनी स्कूल लाइफ के बारे में बता रहे होते हो। और मेरे को सबसे बड़ा मौका ये मिला कि मैं अपनी स्कूल लाइफ में चाहे कुछ भी था, कॉलेज में मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी कि एकदम नई अपनी पर्सनैलिटी लेके, एकदम कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी लेके आगे बढ़ूं। क्योंकि स्कूल में 10-12 साल में आपकी एक सर्टेन इमेज बन जाती है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको एक्ट करना होता है। कॉलेज में आपको कोई भी नहीं जानता, तो ये एक बहुत प्यारा मौका आप सबके पास भी होने वाला है। और इस पर्सनैलिटी चेंज में सबसे बड़ा हाथ था मेरे कॉलेज यानी कि DTU का। अब अगर आपको भी ऐसे टॉप कॉलेजेस में पढ़ना है, तो सबसे पहला नाम मेरे दिमाग में जो आता है वो आता है और अलक पांडे सर, यानी कि फिजिक्स वाला सर का, बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है हम सबके लिए। टीचर्स डे के लिए इनके और मैसिव ऑफर्स चलने लग रहे हैं आप सबके लिए। अगर क्लास 11 में हो आप, तो अर्जुना JEE का फास्ट ट्रैक बैच आ चुका है। क्लास 12 के लिए लक्ष्य JEE का फास्ट ट्रैक बैच आ चुका है। और ड्रॉपर्स के लिए हमारा यार प्रयास का फास्ट ट्रैक बैच आ चुका है, आपको जरूर कंसिडर करना चाहिए। इंडिया के टॉप टीचर्स इसके अंदर पढ़ा रहे हैं। 6 दिन आपकी क्लासेस होंगी, रोज 3 लाइव लेक्चर्स आपके हो रहे होते हैं। मैसिव डिस्काउंट आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको सारे प्राइजेस जो हैं बैचेस के डिस्प्ले हो जाएंगे। क्लासेस भी जल्दी ही शुरू हो रही हैं, क्लासेस की स्टार्ट डेट्स आपको यहाँ पे मैं डिस्प्ले करवा देता हूँ। इससे आपको सारी चीजें यार समझ आ रही होंगी। आपको DPPs मिलेंगे, वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे, आपके टेस्ट रेगुलरली हो रहे होंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा इनकी पॉकेट ऑफरिंग्स भी हैं, बहुत सारी पॉकेट कोर्सेज हैं। अगर आपको रिविजन करने हैं, वन शॉट चाहिए, तो 49 रुपीज के अंदर यार ये सारी चीजें आपको देने लग रहे हैं। मॉड्यूल्स, किताबें भी चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, तो वो भी इनका इंडस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे दूंगा। करना क्या है भैया इन बैचेस को अवेल करने के लिए, डिस्काउंट का कुछ और बताओ। तो यार उसके लिए आपको जाना है फिजिक्स वाला ऐप पे, ये वाली ऐप आप डाउनलोड करो, और उस ऐप के अंदर कोई भी बैच आप एनरोल करो, तो इनकी टीम से कोड जनरेट करवाया जिसका नाम है होप। आपको पता है ये शब्द कितना इंपॉर्टेंट है अलग सर के लिए, तो होप कोड यूज करके आपको 150 रुपीज और डिस्काउंट मिल रहा होगा ये सारे बैचेस के प्राइजेस पे। बहुत प्यारा मौका है, टीचर्स डे ऑफर चलने लग रहा है, और आपके पास ऑप्शन है इंडिया के टॉप कॉलेजेस में पढ़ने का और JEE 2024 में एकदम मचा देने का। मेरे सेकंड सेमेस्टर की वैलेंटाइन डे की स्टोरी सुनने के लिए देखते रहो वीडियो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। दूसरा सेमेस्टर जब आप सबका आएगा, तो आप एक्सपीरियंस करोगे अपनी लाइफ का पहला कॉलेज फेस्ट। ये कॉलेज फेस्ट अपने साथ बहुत सारी चीजें लेके आता है। हमारे टाइम में सिद्धू मूसेवाला, पैपॉन और बड़े बड़े लोग आ गए थे भाई, तो बहुत ज्यादा क्रेजी हो गया था। 14 फरवरी हमारी सख्त लौंडा कम्युनिटी के लिए ये वाली डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दिन होता है वैलेंटाइन डे। और अगर इस दिन आपके लाइफ का पहला कॉलेज फेस्ट भी रख दिया जाए, तो क्या मजा आ जाए। आपके यश भाई की लाइफ में भी यही हुआ, सख्त लौंडा कम्युनिटी के बहुत बड़े मेंबर थे, बट सोचा 14 फरवरी को तो आज हम कुछ ज्यादा ही मजा कर लेंगे फेस्ट के अंदर। मजे किए भाई, अकेले किए, अपने आसपास देखा, सारे कपल लोग एंजॉय कर रहे थे और हम लोग अकेले मैगी खा रहे थे, कोई मैगी खिलाने वाली भी नहीं थी, बहुत तकलीफ होती है। बट इसके बाद हमने सोचा कि एक YouTube का भी कीड़ा लगा हुआ था, फेस्ट वेस्ट हटाते हैं, वापस सख्त लौंडा कम्युनिटी का मेंबर बनते हैं। अपन रहते हैं सख्ती से, अपन ऐसे पिघलते नहीं है। और वहां से यार मैंने शुरू करी अपनी YouTube की शुरुआत, सीलमपुर की तंग गलियों में घूमते हुए, कि कहीं से मेरे को एक साउंड प्रूफिंग के लिए कपड़ा मिल जाए, कहीं से मेरे को ऐसी दीवार मिल जाए कि एकदम बढ़िया आपके लिए ऑडियो क्वालिटी वाला कंटेंट मैं बना सकूं। उस चीज की शुरुआत इसी दिन से हुई। आपका भाई आ गया था कॉन्फिडेंस में पहले सेमेस्टर के बाद, कि भाई 9.5 फोड़ दिया CGPA, अब तो निकाल ही लेंगे। तो इस सेमेस्टर में काफी ज्यादा धक्का लगा और CGPA गिर गई 8.5।
9 पे। अब मेरे पीछे दिखेगा आपको ओपन एयर थिएटर यानी हमारे कॉलेज का OAT। ये वो जगह है जहाँ पे यार मेरे को मेरी लाइफ की पहली इंटर्नशिप मिली। इसी वाली स्टेज पे यार अमन धतरवाल भैया, आप सब लोग जानते हो हम सब लोग कितना ज्यादा प्यार करते हैं, इन्हीं वाली सीढ़ियों से यार उतर के आए थे यहाँ पे हमारे कॉलेज में फर्स्ट एवर सेमिनार के अंदर। मैं इस वाली सीढ़ी पे बैठा हुआ था, अगर आप अजय राज भाई को जानते हो वो भी यहीं बैठे हुए थे, यहाँ से उतरते हुए आए थे वो, मैंने यहाँ से उनका हैंडशेक किया था और यहाँ से चलते हुए वो हमारी इस वाली OAT की स्टेज पे पहुंच गए थे। पूरा यार वो सूट वूट पहन के आए थे और एक अलग ही यार वाइब मेरे को उस वक्त मिली कि मैंने कहा कि भाई ये करना है, शायद आज शायद हम 4 साल बाद वो चीजें कर पाए हैं। NIT अगरतला ने हमें रिसेंटली इनवाइट किया, IIT दिल्ली में हमने रिसेंटली सेमिनार किया, LPU में हमने सेमिनार किया, थापर में हम करने वाले हैं। तो ये मेरा एक बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस था, यहीं से मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली मेरी पहली इंटर्नशिप की। कैसे मिली? क्योंकि मैं प्रेजेंट था, पूरी धूप हो रही थी, शाम तक मैं यार शायद मेरे को लगता है मैं वहां पे रहा और मैं जेन्युइनली चाहता था यार कि कुछ मेरे को करना है कॉलेज में आके, अलग करना है। और आई थिंक कि अमन भैया बहुत बड़े इंस्पिरेशन के सोर्स थे उस वक्त, तो आई जस्ट वेंट अहेड विद इट। अपनी पहली इंटर्नशिप निकालने के साथ साथ थर्ड सेमेस्टर की CGPA में भी तुम्हारे भाई ने फोड़ दिया। CGPA यार मेरी फाइनली बनी 9.82, मेरे को उम्मीद थी 10 ही बनने की। यहाँ पे होता है कि मेरे से पूछा गया था पहले साल में कि बेटा अगर ऑप्शन मिले बंदी बनाने का या 10 ही, तो मैंने चूज किया था 10 ही, मेरे को लगा था इस सेमेस्टर आ जाएगी, बट एक बस मेरा A+ ग्रेड रह गया, बाकी अगर आप मार्कशीट में देखोगे सारे O ग्रेड आए और इस वजह से मेरी जो CGPA इवेंचुअली बनी वो थी 9.82। चौथे सेमेस्टर की CGPA से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा मिनी OAT है। यहाँ पे आपके यश भैया ने दिया अपनी पहली सोसाइटी का इंटरव्यू। जब आपके यश भैया कॉलेज में आए तो उनको इंटरेस्ट तो बहुत ज्यादा कि बिजनेस और स्टार्टअप कर लेंगे, तो उनको पार्ट बनना था एंटरप्रेन्योरशिप सेल का। ये पीछे हमारा BROD बना हुआ है, इसके अंदर यार इनकी ओरिएंटेशन हुई और मैंने पहली बार देखा रेडबुल के 120 रुपए के कैन आते, उसके पूरे पूरे क्रेट निकाल निकाल के कैन बच्चों को फ्री में बांटे जा रहे हैं, उड़ाए जा रहे हैं लिटरली स्टेज से। मैंने कहा भाई ये तो बहुत क्रेजी कॉलेज लाइफ का एक्सपीरियंस होने वाला है और मैंने सोच लिया कि मेरे को इस क्लब का पार्ट बनना है। बड़ा डिफिकल्ट सा सिलेक्शन प्रोसेस था, ये नीचे जहां मैं बैठा था यहां हमारा ग्रुप डिस्कशन हुआ, आपका भाई पहले राउंड में रिजेक्ट, 4 लौंडे थे, आपके भाई को रिजेक्ट कर दिया गया। तो लिंक्डइन वगैरह पे अप्रोच किया पुराने ईसेल वाले मेंबर्स को और वहां से मेरे को लिंक्डइन की पावर समझ आई। उसमें से एक ईसेल मेंबर ने मेरा नाम रेकमेंड किया, उस चक्कर में मेरे को एक और बार ग्रुप डिस्कशन का चांस मिला और फिर आपका भाई वॉज इनसाइड द एंटरप्रेन्योरशिप सेल ऑफ DTU। फोर्थ सेमेस्टर के मार्क्स की बात करें तो यार मैंने योगा बड़ा इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट लिया, काफी ज्यादा मजा आया, प्राणायाम वगैरह करवाते थे उसके अंदर। इसके अंदर मेरा ओ ग्रेड आया, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में ओ ग्रेड आया, 2 में A+ रह गया। इस वजह से मेरी फोर्थ सेमेस्टर की फाइनल CGPA बनी 9.64। क्लास की उस वक्त फर्स्ट या सेकंड हाईएस्ट थी, तो वो चीज शायद यार मैंने मेंटेन करी। और आप सबको भी रेकमेंड करूंगा कि आपको जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करनी है, इस वक्त तक यूट्यूब भी ठीक ठाक चलने लग गया था, जो करना है वो करो यार, बट प्लीज अपने अकैड्स को कॉम्प्रोमाइज मत होने दो, क्योंकि वही चीज आपकी प्लेसमेंट के वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रहने वाला है। कॉलेज का 5वां सेमेस्टर यार, ये वाली सारी नई बिल्डिंग्स हमें देखने को मिली। जैसे हम कॉलेज के अंदर आए कोविड के बाद, तो हमें मिले ये बहुत भव्य स्ट्रक्चर्स। मैंने यार 2019 में कॉलेज को ज्वाइन किया था, तो यहाँ पे हमारी पीछे लेक हुआ करती थी, बट जब मैं कॉलेज आया तो मैंने देखा इतनी सारी डेवलपमेंट हो चुकी थी। और अगर आप इन बिल्डिंग्स के अंदर चले जाओगे तो आपको लगेगा नहीं ये गवर्नमेंट कॉलेज है, आपको लगेगा कि सही में बहुत आलीशान मॉडर्न बिल्डिंग्स के अंदर आए हैं। आपको लेक का नजरिया और बिल्डिंग्स का नजरिया दिखाते हुए 5वें सेमेस्टर की CGPA बताता हूँ। कॉलेज के अंदर लेक होगी बोल के अगर तुम्हें नाला दिखा दिया जाए तो छोटी गंगा बोल के नाले में कूदा दे। पीछे वो नाला है यार हमारा DTU लेक, इसको बोलते थे। इस सबको यार हटा के यहाँ पे बड़ी बड़ी 8वीं मंजिल पे अभी मैं खड़ा हूँ और मैं आपको 5th सेमेस्टर की अपने मार्क्स रिवील करने वाला हूँ। तो यार हमारे पास सब्जेक्ट्स थे इंटरेस्टिंग ऑपरेशन एनालिटिक्स, यहाँ पे हमें पता नहीं कुछ मैथमेटिक्स टाइप करवा रहे थे। उसके अलावा आपके भाई का शुरू से मन था कि MBA करनी है भाई, तो इसलिए मैंने सब्जेक्ट लिया है फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसके अंदर हमें MBA लेवल की प्रेजेंटेशंस बनानी थी, काफ़ी सारे ओ आए, काफ़ी सारे A+ आए और फाइनल CGPA जो मेरी 5th सेमेस्टर की बनी, शपथ लेके कहता हूँ इस झंडे की, 9.35 यार मेरी 5th सेमेस्टर की फाइनल CGPA बनी। तो एक सेमेस्टर छोड़ के अभी तक मैं सारे सेमेस्टर्स में 9+ CGPA स्कोर कर पा रहा था। 6ठा सेमेस्टर आते आते मामला हेक्टिक होने लग जाता है, प्लेसमेंट की चिंता होने लग जाती है। आज हम बैठे हैं नेस्कैफे पे, बहुत पॉपुलर हैंगआउट स्पॉट है। DTU में अगर आप आने वाले हो तो यहाँ का खाना बहुत ज्यादा खाने वाले हो। ये फूल क्यों पकड़ा हुआ है? क्योंकि इस फूल की सिग्निफिकेंस है यहाँ की एक बहुत प्यारी कहानी से। यहाँ पे अगर आप DTU में आओगे तो एक बड़ी प्यारी सी चीज होती है जो बच्चे कॉलेज में करते हैं, जिसको बोला जाता है कॉफी डेट। इसके बारे में तो हमें कोई अंदाजा ही नहीं था, राइट? तो जब इसके बारे में अंदाजा लगा
तो यहीं की डीटीओ की बगिया से एक फूल तोड़ा और एक कॉफी डेट पे आ गए। यार जब मैं कॉलेज आया था मेरे माँ बाप से मेरे को मिलते थे महीने के 3,000 रुपए। इसका मैथमेटिक्स लगाए सिंपल सा तो मेरे पास रोज के 100 रुपए होते थे अपने सारे इकोनॉमिक्स बिठाने के लिए। 20 रुपए मेरे लग जाते थे पीजी से कॉलेज और कॉलेज से पीजी जाने में, तो बचते थे दिन के 80 रुपए। अब इसमें खाना खजाना सब कुछ चीजें हमें अपनी चलानी होती है, तो थोड़े पैसे जो महीने के एंड में बच गए तुम्हारे पास 120 रुपए बच गए 140 रुपए बच गए, तो वो हमारे जुड़ते रहते थे। इंजीनियरिंग कॉलेज में वो पीछे से पैसे आने की भी कमी है, तो तुम एकदम लो मेंटेनेंस काम करना चाहते हो राइट। बाहर चले गए तो इसका मतलब है भाई पूरा तुम्हारा फट गया 700 से 800 रुपए का बिल। तो सिंपल सी बगिया से एक ये तुमने सनफ्लावर सूरजमुखी का फूल तोड़ा और यहाँ से ली 2 आइस टी और इस तरीके से तुम्हारी शुरू होती है पहली डेट की स्टोरी। अगर आप एक कॉलेज में और इस वीडियो को देख रहे हो, कॉलेज में आए हो और इस वीडियो को देख रहे हो, तो 6th सेमेस्टर सबसे ज्यादा हेक्टिक होने वाला है, क्योंकि ये वाले सेमेस्टर की CGPA के बाद आपकी प्लेसमेंट्स के लिए आपकी CGPA लॉक हो जाती है। आपके जो पिछले 6 सेमेस्टर में CGPA आई है वो आपके प्लेसमेंट रिकॉर्ड में जाएगी, और जो भी आपके यहाँ पे कंपनीज आने वाली है रिक्रूट करने गूगल अमेज़न माइक्रोसॉफ्ट, उनको आपकी इन 6 सेमेस्टर की फाइनल CGPA दिख रही होगी। जैसे लोग हरिद्वार जाते हैं अपने पाप धोने, 6th सेमेस्टर आखिरी सेमेस्टर था मेरे पास मेरी हाई चल रही थी CGPA, बट 6th सेमेस्टर आखिरी सेमेस्टर होता है बच्चों के पास अपने पुराने पाप धोने के लिए। मैं अपने 6th सेमेस्टर की बात करूं, मुश्किल थे यार सब्जेक्ट्स और लास्ट मोमेंट थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी पड़ी थी। दिक्कत ये आई थी यार कि मैं थोड़ा सा बीमार हो गया था 6th सेमेस्टर में, तो उस चक्कर में 1.5 महीने का ब्रेक आ गया, प्लस यूट्यूब भी करना था। उसके साथ साथ हमारा जो कॉलेज से तो एक कॉलेज एडमिशन का बिजनेस है उसको हम सेटअप करने में बहुत ज्यादा एनर्जी और मनी लगा रहे थे। इन सारी चीजों को देखते हुए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था बैलेंस करना। मेरा एक फ्रेंड है आर्यन जिसने बहुत ज्यादा मेरे को सपोर्ट किया इस सेमेस्टर में, और दूसरा फ्रेंड है मेरा प्रिंस, उसने भी बहुत ज्यादा हेल्प की, और उस चक्कर में हमारी फाइनल CGPA 6th सेमेस्टर की बनी 9.35। 7th सेमेस्टर यानी कि तुम्हारे बीटेक के फाइनल ईयर की शुरुआत। यार ये वाला शायद वो सेमेस्टर था जहां मैंने सबसे ज्यादा दोस्तियां टूटती हुई देखी। इसका रीजन क्या था कि हमारी प्लेसमेंट पास आ रही होती है, तो जैसे ही उसका न्योता आता है तो जो दोस्त हैं वो आपको दुश्मन बनते हुए दिखेंगे। उसका रीजन क्या था कि बच्चे चीजें छुपानी शुरू कर देते हैं, खाली खाली लिंक्डइन प्रोफाइल आपको एकदम से भरती हुई दिखने लग जाएंगी। आपके दोस्त आपको कहेंगे कि हमने तो कुछ नहीं किया ब्रो पिछले 2 साल, और फिर आपको उनकी पूरी पूरी प्रोफाइल उनके मोटे मोटे भरे हुए CV देखने को मिलेंगे, और फिर आप शायद अपने आपको बहुत ज्यादा अकेला पाओगे कि यार ये मैं तो पूरे टाइम पबजी खेल रहा था और इस बंदे ने तो अपना पूरा CV बना लिया। यार ये शायद वो वाला टाइम था व्हेन आई स्टार्टेड फेसिंग सम मेंटल हेल्थ इश्यूज। रीजन पता नहीं, कोई स्पेसिफिक शायद मैं पॉइंट आउट नहीं कर पाऊंगा, बट इट वॉज मोस्टली अबाउट द फैक्ट कि एक तो प्लेसमेंट का बहुत ज़्यादा प्रेशर था सर पे, उसके अलावा आई फेल्ट दैट आई हैड नो फ्रेंड्स। जो दोस्त थे ऐसा लगने लगा कि वो भी किसी ना किसी मतलब से जुड़े हुए हैं, तो बहुत ही अजीब सा टाइम था, और वो सब मैंने एक वीडियो में कवर किया हुआ है। और आज मैं एक बहुत ज़्यादा बेहतर स्थिति में, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद कर सकता हूँ। जो सपोर्ट यार उस वीडियो पर मिला वो बहुत ज़्यादा क्रेजी था, और मेरे को जो एक एडवाइस थी इन जनरल, जो एक नैरेटिव था, बहुत सारे अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को तो बहुत सारे पेरेंट्स ने एक्चुअली ये चीज़ कमेंट करी कि एक ही सेमेस्टर बचा है यश, तो बेटा कर ले डिग्री कंप्लीट राइट। और जैसे अगर कोई पेरेंट देख रहा है तो वो भी मेरे पेरेंट्स के समान ही है। आई हैड अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन दिस विद माय कॉलेज, मेरे कॉलेज से भी इसके लिए फ़ोन आया, उस पर डिटेल में बात हुई। बात कॉन्फिडेंशियल है यार जो अग्रीमेंट हम फाइनली रीच करें, बट इट वॉज स्ट्रॉन्ग एंड कन्विंसिंग इनफ फॉर मी कि मेरे पास सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स बचे थे और मेरे पास मेरी बीटेक की डिग्री हाथ में होती, और कॉलेज ख़त्म होने में भी 4-5 महीने बचे थे। कुछ ऐसा हुआ कि आई इवेंचुअली डिसाइडेड नॉट टू ड्रॉप आउट ऑफ माई कॉलेज विदाउट अफेक्टिंग माई बिजनेसिस एंड माई मेंटल हेल्थ। मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा टाइम दिया, मैंने एक्सटेंसिवली उस वक्त ट्रैवल किया, और आज अगेन यार मैं खुशी खुशी कह सकता हूँ कि आई एम इन अ मच मच बेटर स्टेट। भैया नंबर कितने आए? जो 9+ CGPA आपने मेंटेन करने की सोची थी वो इस सेमेस्टर में टूटी या बनी रही? तो यार इस सेमेस्टर में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। पीछे आपको मेरा पूरा डिपार्टमेंट दिखेगा, 4 साल मैंने यहीं पे पढ़ाई की, और यहाँ पे काफ़ी सारी सोसाइटीज़ की हमारी प्रैक्टिस चलती थी। अभी फिलहाल हमारी सोसाइटी है वाई, वहाँ की डांस प्रैक्टिस चलने लग रही है। मार्क्स की बात करें तो इस सेमेस्टर में क्या हुआ कि आपके भाई के सारे सब्जेक्ट जितने थे सबके अंदर A+ ग्रेड आया, एक O के अलावा, और इसलिए जो मेरी फाइनल CGPA इस सेमेस्टर में बनी मैं बिल्कुल 9+ पार कर गया। 9.18 पे मैंने अपना 7th सेमेस्टर खत्म किया। देखते ही देखते 4 साल खत्म हो गए, कॉलेज का आखिरी सेमेस्टर, और तुम्हारे भाई ने सोच लिया कि इस सेमेस्टर में तो कॉलेज को टॉप करना है। पढ़ाई करी, मेहनत करी, और तुम्हारे भाई की फाइनल सेमेस्टर की 8th सेमेस्टर की कॉलेज की CGPA 9.5, जो टॉप करने का एम था आखिरी सेमेस्टर में वो भी पूरा हुआ। भैया बट ये बैठे कहाँ पर हो आप?
हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट की यार मिडिल क्लास लाइफ से निकलने का सपना, उसकी पहली जॉब, पहली प्लेसमेंट। मैं बैठा हूँ यार डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट और ये होने वाली है मेरी खुद की पहली प्लेसमेंट की कहानी। सब्सक्राइब करके रखना यार, मिलते हैं कुछ ही दिनों में।